मैं किरणदीप पंजाब टाइम्स टीवी दे विच तुहाडा स्वागत करदी हां। मैं इंडिया स्पेशली सर्जरी वास्ते अपनी कॉस्मेटिक सर्जरी वास्ते आई हां फॉर ब्रेस्ट रिडक्शन वास्ते। एक्चुअली मैं 3 साल हो गए लगातार आ रही हां। पहला मैं अपनी आर्म लिफ्ट करवाई हां, फिर टमी तक, फिर ब्रेस्ट रिडक्शन एंड लाइपोसक्शन। तुसी क्यों करवाया? फॉर माय लुक, गुड लुक। सो मैं जेडे मर्जी ड्रेस अप फॉर बिकॉज़ मैं इन यूके तो आई हां, गेट आई वेयर ऑल द टाइम इंग्लिश क्लोथ्स, ते इसलिए अपने आप में सोना ते इन शेप दिखन वास्ते, इसलिए मैं एंड इस चीपर इन इंग्लैंड इंडिया हियर। सो क्वालिटी वाइज 3 साल हो गए मैनू आंदी नू, क्वालिटी वाइज इज गुड, दैट्स व्हाई आई एम कमिंग। या एंड द मेरा एक्सपीरियंस वेरी नाइस, वेरी फ्रेंडली, वेरी गुड, वेरी सपोर्टिव। जब भी मैं हेल्प मंगी डॉक्टर साहब ऑलवेज कम एंड स्माइल फेस एंड सपोर्ट। स्टाफ इज वेरी गुड, सिसली इज वेरी वेरी फ्रेंडली, शी लाइक फ्रेंड टू मी, सारा वेरी गुड। सारे मैं कहते कि यू लुक वेरी स्मार्ट, बहुत सॉरी तू की किया तू जिम जानी, मैं क्या हाँ जी नर्स इज वेरी गुड, एवरीबडी इज हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट। ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਟੋਟਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 27 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਐਂਡ ਡਿਵੋਟਡ ਟੂ ਵਨ ਸਰਜਰੀ, ਕੋਸਮੈਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਓਨਲੀ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਵੀ ਲੈਟ ਅਸ ਡੂ ਜਸਟਿਸ ਵਿਦ ਵਨ ਫੀਲਡ, ਵਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਈ ਐਮ ਡੂਇੰਗ ਮਾਈ ਵਰਕ ਐਂਡ ਇਨ ਦੀ ਫੀਲਡ ਆਫ ਕੋਸਮੈਟਿਕ ਸਰਜਰੀ। और ये जी चीज़ है, आई कीप गेटिंग पेशेंट्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, अपने NRI फैमिलीज तो भी हैं, तो ट्रू फॉरेन नेशनल्स, दे ऑल्सो चेक ऑन द वैबसाइट, दे ऑल्सो गेट इन टच थ्रू ईमेल्स एंड ऑल, तो वो भी आ जाते हैं एंड उस लिहाज नाल दे कीप कमिंग। बेसिकली अजकल के टाइम इट इस द importance of getting and keeping in shape, क्योंकि body shape, body figure जोड़ा है उसको maintain रखना इसकी जरूरत काफ़ी समझी जाती है अजकल के टाइम में। ठीक है, उन्होंने लगता है कि भी उन्होंने एक पर्टिकुलर पार्ट वो नहीं ठीक लग रहा, उस हिसाब से ठीक नहीं जिस तरह होना चाहिए, तो वो फिर उन्होंने ठीक कराने वास्ते, क्योंकि जो उन्होंने एक फील होंगे कि मेरा यह पार्ट ठीक नहीं है, उसका डायरैक्ट इफेक्ट उन्होंने माइंड पर पैदा, साइकोलॉजिकल उन्होंने वो अपसैट हो जाते थोड़े नहीं काफ़ी, जिस करके फिर इस काम को कराना जरूरी हो जाता है। इस काम वास्ते बेसिकली वी ट्रीट द साइकोलॉजी ऑफ द पेशेंट और वो कॉन्फिडेंस इंप्रूव करने वास्ते ही काम करना है। हम कोई दूसरा भावे उस चीज़ को फील करता हो या ना करता, पेशेंट ही फील करता कि उसका नक नहीं ठीक, उसकी बॉडी की शेप नहीं ठीक, तो उन्होंने उस फीलिंग रिमूव करने वास्ते मतलब वापस कॉन्फिडेंस विच लैके आने वास्ते वी डू द कॉस्मेटिक सर्जरी। different procedures, different body parts, they as per requirement of the patient करने पे नहीं। Surgery is followed by some exercises or not? It is not necessary. Surgery, surgery or surgical procedure, the healing the time वाला 5-7-10 दिन तक जिस तरह भी होना है, depending upon the case. उस तो बाद कोई follow up देवे जो कोई medicine या कोई exercise या कुछ काम दी जरूरत नहीं पड़ी। खास करके जिस तरह तुम पूछा शायद तुम्हारे मन से होगा यदि fat कटाने वाले liposuction या tummy tuck वगैरह procedure सुनते करने पड़े हैं, हूँ उतो जो फैट विद फैट सेल्स निकल गए हमेशा वास्ते निकल गए, कोई उन्होंने कोई पर्टिकुलर डाइट एडवाइस करने की गल नहीं होती, कोई पर्टिकुलर मेडिसिन की गल नहीं है कि यह लेंदे रहना या पर्टिकुलर कोई एक्सरसाइज करते रहना, यह जरूरी नहीं है। हाँ इन्ना जरूर है, वो एक एडवाइस टू कॉम जी टू वन एंड ऑल रादर इन कॉमन है, वो ये है कि डाइट ओनी खिलाओ जिनी जरूरी है, खाना सारा कुछ है, किसी चीज़ का परहेज नहीं है, एक्सरसाइज थोड़ी बहुत बॉडी को फिट रखने वास्ते जरूरी होंगी है, इन्ना तो करना चाहिए वो किसी वास्ते भी, कोई मॉर्निंग वॉक है, कोई इवनिंग है, या थोड़ी बहुत साइकिलिंग है या एक्सरसाइज है, वो किसी भी शेप होंगी रहे चंगी गल है, पर कोई जरूरी तौर पर कि यह जरूर करना है इस तरह कोई रिक्वायरमेंट नहीं होंगी, कोई होर बंदिश नहीं होंगी। मोस्ट ऑफ द टाइम 70-80% प्रोसीजर्स ऐसे ही है ना कि सवेरे आ गए करा के तो शाम तक घर चले जाते पेशेंट, कुछ पेशेंट जो दूरों आए हैं या कुछ यहोजे प्रोसीजर जिस तरह टमी टक है, ब्रेस्ट रिडक्शन है, फेस लिफ्ट है, उत्थे
एक तो दो दिन रखने की लोड़ पै सकती है, वो भी डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट। जे वही काम थोड़ा जहा घट है तो हो सकता है फेसलिफ्ट करके भी शाम तक पेशेंट को भेज दीए, पर वही जो फेसलिफ्ट थोड़ी जी ज़्यादा कम है तो आई प्रीफर के भी उधर एक दो दिन पेशेंट रह जाए तो चंगी गल है। दिस इज हाउ वह पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है, तो जेकर रहना होंगे तो वही भी कीप द पेशेंट विद अस, असीं उन्हां नूं फीलिंग आफ्टर सारा करते हैं। पंजाब टाइम्स टीवी तुहानू समाज दे होर भी पहलुओं बारे जाणू करवाउंदा रहेगा, सो देखते रहो पंजाब टाइम्स टीवी।